हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट से मिलवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्पैटिफाइलम और पीस लिली। पीस लिली प्लांट एक वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट है, जिसको आप कई कई दिन तक इंडोर इनडायरेक्ट लाइट और ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको जिस एरिया में आप रखते हैं वहाँ पे ब्यूटी तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। फूड और वाटर के अलावा जो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं वो है एयर। और अगर हमारे आसपास की हवा, हमारे घर की हवा अगर शुद्ध होगी तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। और पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी हद तक हमारे घर के अंदर की एयर को प्यूरीफाई करता है और जो टॉक्सिन्स हैं उनको डिसॉल्व करके ले लेता है। आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब बात करेंगे इसके लिए हमें सॉइल कैसी बनानी चाहिए। इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो आपको, जब आप इस प्लांट को लेकर आए नर्सरी से और आप इसको लगा रहे हैं, तो आप इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जिसमें आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं या लीफ कंपोस्ट आप उसमें ले सकते हैं, वो आपको 30% रखना है। उसके अलावा आपको सॉइल भी जो है वो 40% रखना है। तो 40-30-70% ये हो गया। उसमें आप 20% कोकोपीट या परलाइट मिला सकते हैं और 10% इसमें आप सैंड मिला करके इसकी सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसका सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल इसकी वेट तो हो लेकिन सॉगी ना हो। वाटरिंग का अगर इसको वाटरिंग करनी है तो हम इसको वाटरिंग इंटरवल के बीच में इतना ज़्यादा गैप भी ना दें कि इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ लटकने लग जाएं, ड्रूपिंग इसमें आ जाए। इसका मतलब पानी जो है इसका, ये जो प्लांट है वो हमसे मांग रहा है। तो वाटरिंग रेगुलरली भी नहीं करनी है। अगर आपने इंडोर रखा है तो आप अल्टरनेट डेज में या आफ्टर 2-3 डेज में आप इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप साल में 2 बार इसको काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और उसके अलावा आप एवरी 2-3 मंथ्स में इसमें NPK 19-19-19 या 20-20-20 का स्प्रे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच टीस्पून जो है इसमें स्प्रे करके आप इसको दे सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें टाइम टू टाइम नीचे से बेबी पप्स निकलते रहते हैं। जब आपका गमला बुशी हो जाए तो आप उन पप्स को अलग करके अपने लिए नए प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें देखिए, मैं एक प्लांट अपने लिए नर्सरी से लाई थी, अब इसमें कम से कम 2 या 3 प्लांट हो गया। नीचे से देखिए नई ग्रोथ आ रही है, नया बेबी पप इसमें डेवलप हो गया है। तो जैसे जैसे प्लांट बुशी होता जाता है, हम इसको अलग करके अपने लिए बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। पेस्ट अटैक की बात करें तो कुछ ज़्यादा कुछ इसमें पेस्ट अटैक होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो आप कभी कभी जो है एक फ्रेश टाल लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी और माइल्ड शैम्पू और कुछ बूंदें नीम ऑयल की डाल के अगर इसकी लीव्स की सरफेस को, अपर सरफेस भी और लोअर सरफेस भी अच्छे से क्लीन कर देंगे तो लीफ में शाइन भी आ जाती है और किसी पेस्ट के अटैक से ये प्लांट बचा रहता है। पीस लिली का फ्लावर स्पैडिक्स कहलाता है और जो ये वाइट शीट इसकी बाहर से लगी होती है, ये एक मॉडिफाइड ब्रैक्ट है जिसे हम स्पैथ कहते हैं और यही इसकी ब्यूटी होती है। और जैसे जैसे इसके 20-25 डेज जब ये फ्लावर खिल जाता है, उसके बाद ये इसमें जो वाइट शीट जो स्पैथ है वो ग्रीन कलर में या क्लोरोफिल उसमें कंटेंट बढ़ने लगता है, और जिसके कारण वो स्पैथ जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसके बाद हमें इसको, इसके जो स्टॉक है उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए ताकि प्लांट अपनी एनर्जी ना वेस्ट करे और इसमें आगे फर्दर ब्लूमिंग हो सके। अगर आप इस प्लांट को आउटडोर रख रहे हैं तो आप इसको काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ में रखें ताकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और बीच बीच में आप इसमें गर्मियों के दिनों में इसमें पानी का स्प्रे भी करते रहें। तो ये थी पीस लिली के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी। अपने किसी प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।